अल्लाह करीम का शुक्र है करोड़ों खरबों बार कि उसने हमें हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का तज़किरा करने की तौफीक बख्शी है। नबियों में से हैं और कुरान पाक में आपका जिक्र है, और जो सात सलाम है कुरान पाक में उसमें भी आपका जिक्र है कि सलामुन अला इलियासीन। अल्लाह ताला ने सूरत साफात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के किस्सा के बाद इरशाद फरमाया है, व इन इलियास अला मिनल मुरसलीन, सूरत सफात की आयत नंबर 123 से 132 तक। और बेशक इलियास पैगंबरों में से है। जब उसने अपनी कौम से फरमाया, क्या तुम डरते नहीं, क्या बाल को पूछते हो और छोड़ते हो सबसे अच्छा पैदा करने वाले अल्लाह को जो रब है तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादों का। फिर उन्होंने झुटलाया तो वो जरूर पकड़ में आएंगे, मगर अल्लाह के चुने हुए बंदे और हमने पिछलों में से इसकी सना बाकी रखी। सलाम हो इलियास पर, बेशक हम ऐसा ही सिला देते हैं नेकुकारों को, बेशक वो हमारे आला दर्जे के कामुलुन ईमान बंदों में से था। यानी अल्लाह करीम ने सूरत सफात में आपको आला दर्जे का बंदा और मुकम्मल ईमान वाला करार दिया है। उल्मा जो आपका नस्ब बताते हैं वो इस तरह से है कि इलियास बिन बासीन बिन खास बिन आईज अरबन बिन हारून अलैहिस्सलाम, कि हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल में से आप थे। और उल्मा फरमाते हैं कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को बालबक, एक जगह है बालबक जो दमिश्क और लबनान के करीब है, क्योंकि ये बुत पूजते थे बाल, तो इस जगह को फिर बालबक कहते थे। तो लिहाजा उस बस्ती पे नबी बनाकर भेजा गया, क्योंकि उनका बुत इतना बड़ा था सोने चांदी का बना हुआ, बा ऐन और लाम बाल उस बुत का नाम था। कुरान में इसका भी जो आयत मैंने सफात की पढ़ी है, बाल का नाम आया है कि अल्लाह करीम ने उनको कहा है कि क्या तुम बाल को पूछती हो मुझे छोड़कर, रब्बे वाहदहू ला शरीक को छोड़कर। तो ये बाल जो है ये उनका बुत था। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह इज्जुजल की जानिब दावत दी, बुत की इबादत तर्क करने की हदायत की। और एक कौल ये भी कहा जाता है कि बाल एक औरत का नाम था, लेकिन इस बारे में ज्यादा हमें रवायात नहीं मिलती। बाल के बारे में काफी डिटेल मौरखीन ने लिखी है कि वो सोने का बुत था, 20 गज लंबा था, 400 खादम उसकी खिदमत करते थे, उसको लिशकाते चमकाते थे, यानी इतना बड़ा बुत था। उसके चार मुंह थे, ठीक है ना, तो इसी वजह से वो जो शहर था उसको बालबक कहते हैं। और अल्लाह करीम ने कुरान में एक और जगह भी बाल का जिक्र किया कि क्या तुम डरते नहीं, बाल को पूछते हो और छोड़ते हो सबसे अच्छा पैदा करने वाले को। तो सूरत इनाम में भी हजरत इलियास का नाम लेकर हजरत नूह और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से उन्हें बताया गया, आयत नंबर 84-86 में। तो गोया आपका नाम कुरान में भी आया है, और अल्लाह करीम ने आप पे ये रहमत की कि आपको अपनी नबियों में से बनाया, लेकिन वही जो रवायत है कि कौम ने उन्हें झुटलाया, मुखालफत की, कत्ल करने के दर पे हुए। कहा जाता है कि आप भाग गए और इनसे छुप गए। अबू अय्यूब अज़रही से ये रवायत है, उन्होंने हशाम बिन हमाद से ये रवायत की है, और उन्होंने कहा है कि मैंने एक ऐसे शख्स से सुना जिसने काब बिन हबार से जिक्र किया। वो काब बिन हबार फरमा रहे थे कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अपनी कौम के बादशाह से भागकर एक गार में छुप गए जो बहुत ज्वालदम के नीचे थी। 10 साल तक आप इस गार में रूपोश रहे, यहां तक कि अल्लाह ताला ने उस वक्त के बादशाह को हलाक किया और इसकी जगह कोई दूसरा बादशाह उसका वारिस बना और शाही कुर्सी पर बैठा। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम इसके पास आए, उसके सामने इस्लाम पेश किया, उसने इस्लाम को कबूल किया, और उसकी कौम में यानी बहुत ज्यादा खलकत जो थी वो ईमान ले आई। 10,000 अफराद ईमान नहीं लाए, बादशाह के हुक्म से इन 10,000 अफराद की गर्दनें काट दी गईं। इब्ने अबिल दुनिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यानी दमिश्क के एक शेख की हदीस के हवाले से उन्होंने बताया है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम अपनी कौम से भागकर एक पहाड़ी के गार में 20 या 40 रातें छुपे रहे, और कव्वे आपको रिस्क पहुंचाते थे। यानी दो रवायात इससे हमें मिलती हैं, एक 10 साल वाली और एक 40 दिन और 20 दिन वाली, और कव्वों के जरिए आपको रिस्क पहुंचाया जाता था।
वाकदी कहते हैं कि हमें हिशाम बिन मोहम्मद के जरिए ये रवायत यह हदीस मिली है कि सबसे पहले हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम नबी बनकर तशरीफ लाए, यानी उन्होंने तरतीब बताई है, वाकदी ने जो तरतीब लिखी है, और अल्लाह का शुक्र है कि हम भी उसी तरतीब से चले कि उन्होंने कहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत अदरीस नबी बनकर तशरीफ लाए, फिर नूह अलैहिस्सलाम, फिर इब्राहिम, फिर इस्माइल, फिर इसहाक, फिर याकूब, फिर यूसुफ, फिर लूत, फिर हूद, फिर सवाले, फिर शुएब, फिर मूसा, फिर हारून, फिर इलियास, यानी इस तरह से उन्होंने ये शजरा नसब निकाला है कि फिर हजरत इलियास के बाद वो कहते हैं हजरत इलियास बिन आज बिन हारून बिन इमरान बिन काबस बिन लावा बिन यकूब बिन इसाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये तरतीब उन्होंने अंबिया की बताई है। अब रवायत में है, हजरत काब की रवायत है कि चार अंबिया किराम जमीन पर जिंदा हैं, चार अंबिया किराम जिंदा हैं, दो जमीन पर और दो आसमानों पे। जमीन में हजरत इलियास और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, और आसमान में हजरत अदरीस और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। इससे पहले हम ये डिटेल बता चुके हैं कि हजरत इलियास और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम हर साल रमजान बैतुल मुकद्दस में रमजान गुजारते हैं, दोनों फरीजा हज अदा करते हैं, जमजम का पानी पीते हैं जो आइंदा साल के लिए उन्हें काफी होता है, दोनों हज के बाद एक दूसरे का सर मंडवाते हैं। ये रवायात मौजूद हैं और मुख्तलिफ रावियों से इनके बारे में, लेकिन इनके खिलाफ भी दलायल हैं कि जिसमें कहा जाता है कि वो हयात नहीं है और उनका विसाल हो चुका है और इस लिहाज भी दुनिया फानी से कूच हो कर चुके हैं। मैं दोनों रवायात आपको बता रही हूँ, वल्लाहु आलम बिल सवाब। और अब ये है कि अल्लाह करीम ने एक जो रवायत जो नहीं मानते कि आप जिंदा है, वो ये कहते हैं कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाह में अर्ज की थी कि इनकी रूह कब्ज कर ली जाए क्योंकि लोग इनकी बात नहीं मान रहे, तो इनके पास एक चुपाया आया जिसका रंग आग के रंग जैसा था, आप इस पर सवार हो गए, अल्लाह ताला ने इस चुपाए को ये ताकत अता की कि उसने नूरी लिबास पहना हुआ था, आपके खाने पीने की ख्वाहिश को अल्लाह ने खत्म कर दिया और आपको अब हयात रखा हुआ है, आपने बशरी मलकूती समावी अर्जी मखलूक बनाकर आप तबलीग की जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। ये इसराइली रवायत है, ना हम इसकी तस्दीक करते हैं ना तकजीब करते हैं, ठीक है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब कह के हम इसको बयान कर देते हैं। तो बेहकी ने एक वाकया हजरत अनस बिन मालिक से रवायत किया है कि हम एक सफर में थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ थे, हमने एक मकाम पर पड़ाव किया, इसी दौरान एक वादी में किसी को ये दुआ मांगते हुए सुना, ए इलाहल आलमीन, तू मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मरहुमा में बना दे जो उम्मत मगफूरा और जिनकी तौबा कबूल होती है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैं वादी की तरफ मतवज्जा हो गया, देखा 300 गज का तवील आदमी ये दुआ मांग रहा था, उसने मुझसे कहा तुम कौन हो, मैंने कहा मैं अनस बिन मालिक खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, उसने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है, मैंने कहा वो यहीं आपके कलाम की समात फरमा रहे हैं, उसने कहा इनकी खिदमत में हाजिर होकर मेरा सलाम पेश करें और अर्ज करें कि आपका भाई इलियास आपको इस सलाम अर्ज कर रहा है। हजरत अनस फरमाते हैं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं हाजिर हुआ, मैंने पूरी बात अर्ज की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मुलाकात हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे सलाम दुआ किया और मुआनका भी फरमाया, गले भी मिले, फिर दोनों यानी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इलियास अलैहिस्सलाम बैठकर गुफ्तगू करने लगे। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं साल में एक मरतबा खाना खाता हूँ, आज मेरा इफ्तार का दिन है, मैं और आप इकट्ठे खाना तनावल फरमाएंगे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है फिर इन दोनों हजरात का पर आसमान से एक दस्तरखान उतरा जिसमें रोटियां मछली और अजवाइन थी, दोनों ने खाना तनावल फरमाया और मुझे भी खिलाया, हमने नमाज असर अदा की, फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अलविदा किया, मैंने देखा कि वो बादलों से गुजरते हुए आसमानों की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। ये हाफिज अबू बकर बेहकी की मैंने आपको रवायत सुनाई है। अब इसमें जो मौरखीन इसमें सिकम निकालते हैं जैसे हाकम अबू अब्दुल्ला निशापुरी, उन्होंने इसमें यानी ये इतराज इस हदीस में किए हैं। पहली बात उन्होंने ये इतराज किया है कि हजरत आदम का काद, क्योंकि हदीस मुबारका में है कि सबसे लंबा था और 60 गज था,
تو اس کے بعد مخلوق کے قد میں کمی آتی گئی. تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث میں اس روایت میں 300 گز قد بیان کیا گیا, لہٰذا مجھے اس حدیث کی صحت پہ اعتراض ہے. اور دوسری وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء, سید الانبیاء ہیں, تو اگر حضرت الیاس موجود تھے تو انہیں خود آپ کی خدمت میں آنا چاہیے تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ بتایا گیا کہ آپ ان کے پاس گئے تو یہ بات جچ نہیں رہی یہاں پہ, ٹھیک ہے. تیسری انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سال میں ایک مرتبہ کھانا کھاتا ہوں, جبکہ ہمارے پاس حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ کھانے پینے کی لذت اور خواہش ان سے سلب کر لی گئی ہے, دونوں سے, حضرت خضر علیہ السلام سے اور حضرت الیاس علیہ السلام سے, تو لہٰذا وہ صرف سال میں ایک بار حج کے موقع پر زمزم کا پانی پیتے ہیں. تو یہ اس میں کھانے کا ذکر کیا گیا ہے, تو اس لیے انہیں اس حدیث کی صحت پہ اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان متارض کی وجہ سے ہم اس حدیث کو صحیح نہیں مانتے. تو بہرحال واللہ عالم بالصواب, یہ ایک روایت موجود تھی میں نے آپ کو بتا دی. تو اب اللہ کریم نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو چاہے زندہ رکھا ہے چاہے ان کو موت دے دی ہے. اس میں ایک اور روایت بھی یہ بیان کی جاتی ہے کہ الیاس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام ایک ہی ہیں. کچھ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی نام ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. بہت سے راویوں, محمد اسحاق بن اسحاق, اسحاق بن مزام, وہ کہتے ہیں کہ یہ دو ڈفرنٹ نبی ہیں. واللہ عالم بالصواب. تو اللہ کریم ہم نے جو بھی پڑھا ہے اس میں رحمت اور برکت ڈالیں, اور جو صحیح صحیح ہے اسے اپنے ہاں قبول فرما لیں, اور کسی کمی کوتاہی جو دانستہ نہ دانستہ ہو اس پہ ہماری پکڑ نہ فرمائیں, اور انشاءاللہ اللہ کریم اپنی رحمتی فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.